झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान ने उदयपुर वाटी क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान पचलंगी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहे वैक्सीनेशन शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के बारे में समझाइश करते हुए कहा कि वैक्सीन के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, सभी को वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने स्थानीय सरपंच को वैक्सीनेशन शिविर पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन की कमी चल रही है, लेकिन जल्द ही वैक्सीन और आने पर हर पंचायत स्तर पर कैंप लगाने के लिए योजना बना रखी है। इससे पहले कलेक्टर ने छऊ ग्राम पंचायत के गांव झाझड़िया की ढाणी में पौधारोपण का कार्य का निरीक्षण करते हुए यहां राजकीय विद्यालय के समीप खेल मैदान को विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मैदान की मेड़बंदी करने के निर्देश बीडीओ बाबूलाल रैगर को देते हुए शमशान भूमि के विकास कार्य का प्रस्ताव सोमवार तक स्वीकृत करने के निर्देश जिला परिषद के एक्सियन महेंद्र सूरा को दिए। कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए आज पंचलंगी उदयपुर वाटी जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें बड़ी अच्छी तरह से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। लोगों में उत्साह है, जोश है टीका लगाने के लिए, और हमारे पास जितने टीके आए हैं उनको, जितने डोजेज आए हैं टीके के, उनको सबको वितरण करके सब जगह एक साथ टीके लगवा रहे हैं। सारे ज़िले के करीब 40 से 45 जगह पर अभी चल रहा है। टीके की जो जितनी क्वांटिटी आ रही है डेली हम खपत कर रहे हैं, और यहाँ करीब 500 के आसपास टीके लगेंगे। लोगों में उत्साह है, जोश है और उत्सुकता भी है। लोगों के अंदर जो पहले इनिशियल स्टेज पर हिचक थी वो ख़त्म हो चुकी है, और अब टीके की तो आवश्यकता महसूस हुई है। इसी दृष्टि से को रखते हुए लोगों में उत्साह है, और बड़ी खुशी की बात है कि लोग खुद निकलकर आ रहे हैं। हर जगह लोगों में उत्साह है, तो जितने टीके हैं उसकी तुलना में थोड़े ज़्यादा लोग आ रहे हैं। हर व्यक्ति चाहता है पहले टीका उसको लग जाए। ऐसी स्थिति में प्रयास यह है कि जितना है हमारे पास जितने टीके आए हैं उसका 10-15% ज़्यादा लोगों को टीका लगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके।